Big hello to everyone and warm welcome to all on this amazing learning platform of Brightavishkar. Hope you all will be doing awesome and I am sure you all are safe and sound in this pandemic. As you know, dear learners, we have started the wonderful series of antonyms and synonyms. So, dear learners, today I have come here again with some antonyms and synonyms, which is most important for the examination point of view. And this is the 8th part of this series. सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टूडेज लेक्चर डियर लर्नर्स आज का हमारा जो इस लेक्चर का फर्स्ट वर्ड है वो क्या है पैटर्नाइज पैटर्नाइज का मतलब होता है मदद करना टूडेज आवर फर्स्ट वर्ड इज दैट मीन मदद करना इट्स इट्सियम इज दैट सपोर्ट कनेक्ट फ्रीक्वेंट सपोर्ट कनेक्ट फ्रीक्वेंट दीज आर द ऑफ वर्ड एंड एंटोनियम्स इज दैट वाईकॉट अवॉइड रिजेक्ट डिस वाई कॉट रिजेक्ट डिस दिज आर द एंटोनियम ऑफ पैटर्नाइज़ बर्ड लेट सी एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज दैट वी शुड ऑलवेज पैटर्नाइज़ द नीडी पीपल वी शुड ऑलवेज पैटर्नाइज़ द नीडी पीपल विच मीन की हमें ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए हमें नीडी पर्सन की और हमें निडी व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए होप गाइज हैव गॉट दिस वर्ड इन अ ब्रिलियट वे एंड दिस इज द फर्स्ट वर्ड इन दिस लेक्चर नेक्स्ट वन इज दैट हिडलेस नेक्स्ट वन इज दैट हिडलेस व्हिच मीन लापरवाह होना सेकंड वर्ड जो है हमारे पास वो है हिडलेस जिसका मतलब होता है लापरवाह होना सेनोनियम है इसका केयरलेस अनमाइंडफुल रैकलेस केयरलेस अनमाइंडफुल रैकलेस ये सारे के सारे हिडलेस वर्ड के सेनोनियम्स हैं और एंटोनियम्स जो है इसके वो है थॉटफुल

उसका लापरवाह नेचर होने होने के वजह से उसको क्या होता है वह हमेशा अपने पेरेंट्स के द्वारा उसे डांटा जाता है उसका एक लापरवाह नेचर होने के होने की वजह से उसे अपने पेरेंट्स से हमेशा डांट पड़ती है यानी अपने पेरेंट्स से वो आ, पेरेंट्स के द्वारा उसे डांटा जाता है होप गाइज दिस वर्ड इज क्लियर यू ऑल लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन इज दैट एब्सेंट एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित होना डियर लर्नर्स आप इस वर्ड को अच्छे से जानते होंगे इसका मीनिंग भी आपको पता होगा लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसके सेनोनियम्स और एंटोनियम्स को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है वर्ड हमारे है पास ऑबसेंट जिसका मतलब होता है अनुपस्थित होना जिसका सनोनियम्स है मिसिंग लैकिंग नॉट प्रेजेंट मिसिंग लैकिंग नॉट प्रेजेंट दीज आर द सेनोनियम्स ऑफ ऑबसेंट वर्ड एंड एंटोनियम्स इज दैट प्रेजेंट अटेंटिव अलर्ट यानी प्रेजेंट उपस्थित होना अटेंटिव रहना एंड अलर्ट होना दीज आर द एंटोनियम्स ऑफ एब्सेंट वर्ड लेट्स एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन यस्टरडे हिस्ट्री क्लास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन यस्टरडे हिस्ट्री क्लास विच मीन की मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे वो क्या थे वो कल हिस्ट्री की क्लास में एब्सेंट थे ज्यादातर स्टूडेंट जो वो कल हिस्ट्री की क्लास में एब्सेंट थे दिस इज दर्ड वर्ड इन दिस लेक्चर होप यू हैव गॉट दिस वर्ड इन अट वे नेक्स्ट वन इज दैट चर्समैटिक चर्समैटिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे आकर्षक होना या क्रिशमाई वर्ड है हमारे पास चर्स्मैटिक जिसका मतलब होता है आकर्षक या क्रिशमाई जिसका सनोनियम हो गया एलोरिंग चार्मिंग कैप्टिवेटिव अपीलिंग सनोनियम है इसका एलोरिंग

द बिग कंपनी ऑलवेज मेक्स चर्समैटिकट कस्टमर द बिग कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं एक बहुत ही क्रिशमाई एड बनाती हैं आ, कस्टमर को अटैक्ट करने के लिए ओप गाइज दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर यू ऑल नेक्स्ट वन इज दैट रैकन रैक्न जिसका मतलब होता है समझना या अनुमान लगाना बर्ड जो है हमारे पास रैकन जिसका मतलब होता है समझना या अनुमान लगाना सनोनियम है इसका कंसीडर इस्टीमेट एंटीसिपेट कंसीडर इस्टीमेट एंटीसिपेट ये सारे के सारे रैकन बर्ड के सनोनियम हैं और एंटोनियम्स इसके नेगलेक्ट पाउंडर डिप्राइप नेगलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ रैकन बर्ड लेट्स एग्जांपल एग्जाम्पल इज दैट द ग्रेट पर्सन ऑलवेज रैकन्स द राइट थिंग्स द ग्रेट परसन ऑलवेज रैकन द राइट थिंग्स एंड डियर लर्नर्स यहाँ पे टी नहीं है डी है एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू दिचुएशन बिचमीन की जो महान व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं वो हमेशा समझ के राइट uh, थिंग्स right को समझते हैं वो हमेशा एक राइट थिंक वो समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं जो ग्रेट पर्सन होते हैं वो राइट थिंग्स को समझते हैं और उ, उसके अकॉर्डिंग या उसका अनुमान लगाते हैं और उसके अकॉर्डिंग यानी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं होप गाइस दिस वर्ड इज आल्सो क्लियर यू ऑल लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन इज दैट इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी नेक्स्ट वर्ड जो हमारे हाँ पास वो है इंटीग्रिटी जिसका मतलब होता है ईमानदारी इट्स सनोनीम इज दैट मोरालिटी, गुडनेस ऑनेस्टी मोरालिटी, गुडनेस ऑनेस्टी दीज आर दिनोनीम्स ऑफ इंटीग्रिटी वर्ड एंड एंटोनियम्स इज दैट डिसऑनेस्ट बिल्कुल अपोजिट हुआ इसका विच मीन की ना ईमानदारी इमोरलिटी करप्टनेस डिसऑनेस्ट इमोरलिटी स दीज आर दिटी वर्ड एग्जाम्पल इज दैट बिकॉज हिम बिकॉज ऑफ इज इंटीग्रिटी पीपल रिस्पेक्ट हिमीग्रिटी के कारण उसकी ईमानदारी के कारण लोग क्या करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं नेक्स्ट वन इज दैट इगर इगर का मतलब होता है उत्सुक होना यानी किसी चीज का बहुत ही उत्सुकता से वेट करना इगर का मतलब होता है उत्सुक होना किसी चीज के प्रति एक्साइटेड होना जिसका सनोनियम हो गया सनोनीय है फरवेंट एंड इम्पिड दिज आर दिनोनियम ईगर दीज आर दियमर्ड लेट सी एग्जाम्पल सो दैट यू कैन गॉट दिस वर्ड इन अ परफेक्ट वे एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है

असिस्टेंट्स का मतलब होता है तालमेल करना या किसी की सहायता करना असिस्टेंट्स का मतलब होता है तालमेल करना या किसी की सहायता करना जिसका सेनोनियम्स हो गया हेल्प प्रोटेक्शन सपोर्ट सेनोनियम है इसका हेल्प प्रोटेक्शन सपोर्ट दीज आर दिनोनीम्स ऑफ असिस्टेंट्स वर्ड एंड एंटोनियम्स इज दैट अपोजिशन ड्राबैक ऑब्सट्रक्शन अपोजिशन ड्राबैक क्शन दिज ऑर द एंटोनियम्सिटें है शी नीड्सिटेंट इन हर कॉलेज वर्क असिस्टेंट इन हर कॉलेज वर्क में इनकी वह जो लड़की है वह हमारी सहायता चाहती है वह हमारा तालमेल चाहती है अपने कॉलेज वर्क में होप गायस दिस वर्ड इज ऑल्सो क्लियर यू ऑल नेक्स्ट वन इज दैट कंडेमन कंडेमन का मतलब होता है नींदा करना नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है कंडेमन जिसका मतलब होता है निंदा करना किसी सनोनियम हो गया इसका क्रिटिसाइज यानी किसी की आलोचना करना स्कॉल्ड रेब्यूक क्रिटिसाइज स्कॉल्ड रेब्यूक दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ कंडेमन वर्ड एंड एंटोनियम्स इज दैट प्रेज अप्रिशिएट ग्लोरिफाई एंटोनियम जो है इसका वो क्या है प्रेज अप्रिशिएट ग्लोरिफाई ये सारे के सारे एंटोनिम्स है कंडामन वर्ड के

Our अगर आप इन लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हैं और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ में डियर लर्नर्स आप इन वर्ड्स पर एग्जाम्पल बनाएं ताकि आप अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को भी स्ट्रॉग कर पाए और आपका वोकेब्लरी पोर्शन भी स्ट्रॉग हो जाएगा इन वर्ड्स के साथ साथ आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रेपरेशन uh, होगी लेकिन आपका वोकैबुलरी पोर्शन भी स्ट्रांग होगा और अगर आप इन वर्ड्स पे एग्जाम्पल बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा तो आपकी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है वो भी स्ट्रांग होगी थैंक यू वेरी मच स्टे स्टे सेफ स्टेटलेस